छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की संगठनियाँ अब पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक सुनाई दे रही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार इस बार जो वोटिंग नहीं करेगा उसके नाम को सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल अब इस मुद्दे पर लोगों की क्या राय है, क्या वोटिंग बढ़ाने के लिए ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का कितना सही है, इस बारे में जानते हैं। आपसे बात करते हुए क्या नाम है आपका? मैं अभिषेक शर्मा करूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। अभिषेक, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया गुजरात चुनाव में, काफी जोर दिया और वोटिंग नहीं करेगा उसके नाम को सार्वजनिक किया जाएगा, कैसा फैसला है? देखिए, ये बिल्कुल सही फैसला है चुनाव आयोग का, क्योंकि हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बनता है कि हम अपने राजनीतिक दायित्वों को भी पूरा करें, क्योंकि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो वोट परसेंटेज कम होने की वजह से कुछ ऐसे लोग जीत जाते हैं जिन्हें जो भविष्य में कम वोटों के मार्जिन से जीत जाते हैं और वो देश का भला नहीं करते, वो निजी स्वार्थ वाले कुछ व्यक्ति जीत जाते हैं। जो है ये चुनाव आयोग ने ये बिल्कुल सही फैसला किया है कि अधिक से अधिक वोटों से जो वोटिंग होगी तो जो भी जीत कर आएगा जनता की सहमति से, जनता की राय से जो भी जीत के आएगा वो राष्ट्र के बारे में सोचे, क्योंकि अधिक से अधिक लोग उसको भली भांति जानते होंगे, उसके विचारों से अवगत होंगे और वो ये समझेंगे कि हाँ ये राष्ट्र के लिए हमारे लिए कुछ करेगा तभी वोट करेंगे। इसीलिए चुनाव आयोग का ये फैसला बिल्कुल सही, हम उनका समर्थन करते हैं कि सभी लोग, आम जनता जितने भी हैं, उनका राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य बनता है, एक ये उनका नैतिक संवैधानिक अधिकार तो है ही है, राष्ट्र के प्रति भी उनका कर्तव्य बनता है कि वो वोट दें। ये जन जागरूकता फैलाना अति आवश्यक था। चुनाव आयोग का ये निर्णय पूरी तरह से सही, हम लोग उसका हृदय से समर्थन करते हैं और उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। गुजरात चुनाव की बात हो रही है, पीएम का गढ़ कहा जाता है, क्या स्थिति है इस बार भाजपा की, क्या लगता है? देखिए, गुजरात हमारे देश में मोदी जी द्वारा बनाया गया एक ऐसा मॉडल है जो पूरा देश चाहता है कि हमारा हर राज्य हम गुजरात मॉडल की तरह ही हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजनीति विकास की होती है, वहाँ पे राजनीति जाति पाति धर्म के आधार पर नहीं, वहाँ की राजनीति विकास पर आधारित है। जो विकास करेगा, जो मानवता के बारे में सोचेगा, जो मोदी जैसा होगा वही जीतेगा। और गुजरात में गुजरातियों ने ये दिखा दिया है, सभी देशवासियों ने वहाँ पे जो रहते हैं उन्होंने ये बात दिखाया है कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो विकासवाद की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो मानवता की बात करेगा, जो वसुंधरा कुटुंबकम की बात करेगा और किसी एक जाति विशेष धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए काम करेगा, राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानेगा, हम उसी को वोट देंगे। हमें गुजरात से सीखना चाहिए। और रही बात चुनाव की, अभी नहीं, बीजेपी के सिवा वहाँ कोई कभी नहीं। भैया, और लोगों से बात करते हैं, गुजरात के बड़ा फैसला ले लिया, जिस बात जो वोटिंग नहीं करेंगे उनके नाम को सार्वजनिक करते हैं, कैसा लगता है? ये बड़ा ही अभूतपूर्व फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है और हम तो ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले को पूरे देश में एक साथ लागू करे, नंबर एक बात। दूसरा क्लास इसमें ये लगाए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, अगर इनका नाम भी आता है कि ये वोट डालने नहीं गए तो इनकी 2 साल की तनख्वाह और सारी सुविधा को तुरंत काटा जाए और साथ साथ 2 साल का पेंशन भी आगे काट लिया जाए, एकदम स्पष्ट बात। बाकी जो जनरल आदमी है, जो सरकारी उपभोक्ता या अरे सरकारी कर्मचारी या नौकरी पेशे में नहीं है, जनरल आदमी जो राशन कार्ड के और बैंकिंग के तमाम दायरे में आता है, इसको भी कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्यों? लोकतंत्र का महापर्व ये इलेक्शन देश में कहीं भी हो, किसी का भी हो, किसी को सब जल लड़े हुए गलत विषय है, लेकिन ये इलेक्शन ही हमको पूरी आज़ादी देता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि को अपने अनुसार, अपने मन मुताबिक अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कर्मठ प्रत्याशी को या जो योग्य प्रत्याशी है उसका चुनाव करें, समझ रहे? यही एक अधिकार संविधान में भारत की पब्लिक को प्राप्त है। और बड़े दुख की बात है कि 2014 के पहले तक आप रिकॉर्ड है 30%, 28%, 32%, मतलब आप ये समझिए कि अगर 100 करोड़ की जनता है इस देश के अंदर, अभी तो 140 करोड़ है, तो 100 करोड़ की जनता में 25 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग वोट दिए और उसमें गवर्नमेंट बन गई, 80 करोड़ लोग अपने घर बैठे हैं, जो कि समाज के समझदार बुद्धिजीवी पढ़े लिखे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और भी जनरल लोग, सारे तो कर्मचारी नहीं है, तो ये सारे लोग घर में बैठते थे। 14 के बाद से वोट प्रतिशत में एक अच्छा खासा उछाल आया है, अगर ये उछाल और आगे बढ़े
तो ये सबके हित में होगा और सारे पार्टियों के हित में भी होगा, इसमें दोहरा नहीं। लेकिन ये गुजरात पीएम का गढ़ माना जाता है, गुजरात गुजरात मॉडल मिसाल दी जाती है, वहाँ चुनाव हो रहा है, भाजपा की क्या स्थिति है। देखिए अब हमको लगता है कि अब ये कहना कि गुजरात पीएम का गढ़ है ये शायद अब अपवाद टाइप का हो गया है, क्योंकि अब गढ़ तो मोदी जी का पूरा भारत और भारत नहीं विश्व बन गया। वो गुजरात से निकल करके काशी और काशी से निकल कर संपूर्ण भारत और संपूर्ण भारत के बाद संपूर्ण वर्ल्ड, क्योंकि देश के यही एक पहले प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में कि जिनको आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद यहाँ तक कि बैरिस्टर गांधी तक की लोकप्रियता को इन्होंने पछाड़ दिया है अपने कर्म के दम पे, जबरदस्ती नहीं कर्म के दम पे। आज सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये देखिए, आप वर्ल्ड लीडर का खिताब हमारे देश के महान माननीय और काशी के यशस्वी प्रधानमंत्री को प्राप्त है। दुनिया के 42 इस्लामिक राष्ट्र में 41 इस्लामिक राष्ट्र का जो सर्वोच्च सम्मान होता वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े ही गौरव से उन देशों ने दिया। दुबई जहाँ की 95% मुस्लिम आबादी है, वहाँ के लोग सारे लोग मिलकर के वहाँ एक मंदिर, आज से 3 साल पहले मंदिर की लोगों ने कल्पना की और उस कल्पना को साकार करने के लिए देश के भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री को बुलाया और पहला ईंटा रखवाया। आज कोई जाके YouTube पे भी देख सकता है, दुबई में भी जाके देख सकता है, इन 3 साल के बीच में इतना भव्य इतना शानदार मंदिर और कई किलोमीटर में बन गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बड़े चाव से और बड़े प्यार से जा रहे हैं, जहाँ जिस देश की आबादी 95% मुसलमानों की। और उससे भी बड़ी बात ये सुनिए कि वहाँ के ज़्यादातर मुसलमानों का उस मंदिर में सहयोग रहा है, तन मन धन तीनों का। ये छोटी बात नहीं है, मतलब इसको मामूली या छोटी बात कहा ही नहीं जा सकता। मोदी जी की बात करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी इस समय चर्चा का विषय बनी है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा को टक्कर दे रही है। भाई देखिए, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को हम बराबर सुनते हैं, और आपसे इस काशी की धरती पर खड़े होकर स्पष्ट कह रहे हैं कि हम अभी तक नहीं मान पाए कि ये नेता भी है। नंबर एक, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन में एक मामूली से सेवक के रूप में बैठे और दिल्ली की सरकार शीला दीक्षित की सरकार को जितना भी ये भरपेट कोस सकते थे कोसे और पूरी बुराई करके ये आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जिस सरकार को जिस पार्टी को इन्होंने भर भर गिलास पानी पी के बाल्टी पानी पी के यहाँ तक कुछ कुआँ भी ये पी गए, शराब का कुआँ तो ये पी ही गए, इसमें दोहरा नहीं है। उसके बाद इन्होंने उसी कांग्रेस से हाथ मिलाया, उसका सबसे बड़ा दुख अगर किसी को इस देश में हुआ तो एकमात्र व्यक्ति अन्ना हजारे जी को, और उन्होंने अपने दुख को सार्वजनिक भी किया, जिसको ये अपना पितामह और गुरु तक कहते थे। अभी हमने अभी 1-2 महीने पहले अन्ना हजारे जी का बयान आया था इनके विरोध में, तो किसी ने इन्हीं की पार्टी में से बोला कि वो वृद्ध हो गए हैं इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। हमको वो दिन और भी दुख हुआ कि वो महान व्यक्ति जो अपने व्यक्ति को एक व्यक्तित्व के रूप में लेके चला आया भारत के अंदर, कि आज इसके साथ हजारों आदमी एक झटके में खड़े हो जा रहे हैं और जिनकी उंगली पकड़ करके दिल्ली की उस सत्ता पे काबिज हुए अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस से हाथ मिला करके अपने गुरु का ही उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया। हमारे यहाँ एक कहावत, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होई निर्धन के होई कोढ़ी। जो आदमी अपने गुरु अपने माता पिता के सम्मान को दांव पे लगा सकता है, अब आप उस आदमी से कल्पना कीजिए कि वो कैसा होगा। अभी शराब का जो मामला तमाम चल ही रहा है वो हम लोग टीवी पे बराबर देख रहे हैं। ये मोदी जी को गाली देने के बजाय बेहतर होता कि जरा अपने बेगुनाही का पर्चा भी टीवी पे दिखाते कि देखिए हम बेकसूर हैं, ये पर्चा बोल रहा है, ये उस पत्र को दिखाते जिसमें इन्होंने आमंत्रण किया करोड़ों रुपए के जाए बाहर का। ये टीवी पे आके खाली ये और वो जो है क्या नाम है जामुन की तरह क्या नाम उसका है सिसोदिया टाइप का सिसोदिया, हम जो है हम बेगुनाह है हम एक, अरे यार कुछ पत्र वत्र भी तो दिखाओ, पत्र को दिखाओ। आज एक चलन पड़ा है, अगर CBI कोई कार्रवाई कर रही है, कोर्ट कोई कार्रवाई कर रही है, तो जितने भी पक्षी लोग हैं इनको देखिए, इन मूर्खों को देखिए। इस देश पे शासन करने की पूरी पूरी इच्छा इन सबों की है, लेकिन ये सबसे पहले न्यायपालिका में प्रश्न खड़ा कर देंगे, ये सबसे पहले ED पे कर देंगे, ये सबसे पहले CBI पे कर देंगे। आज हम चलिए इनकी बात सुन के मान ले रहे हैं,
कि मोदी जी के इशारे पे सीबीआई काम कर रही है, ऐसा ये कह रहे हैं सारे लोग, कल ये बैठेंगे तो इनके इशारे पे काम करेगी, परसों पप्पू बैठेगा उसके इशारे पे काम करेगी, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या हो रहा है, पीएम का गढ़ माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी एकदम सही बोले, आज अपन सब सही बोले, आम जनता का टैक्स है, इसके वजह से विराट हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी का प्रारंभिक भूमि रहा हुआ है, और वहाँ अभी इतने चार वाले पीएम मोदी तीन बार वहाँ मुख्यमंत्री चर्चा होती है, आम आदमी पार्टी में मरने से आप जो कार्य शुरू किया है उस कार्य की कल्पना लोग अपने करते हैं कि हमारा राज्य गुजरात मॉडल हो जाए, कुछ कंट्री भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा कंट्री गुजरात मॉडल हो जाए, तो जो ऑलरेडी उत्तर अभी पार को दिल्ली को नहीं कर पा रहा है तो गुजरात को क्या करेंगे, दिल्ली में भी पावर कार को देखने को ना जा रहा है, बच्चे को बस पानी भर दिया, तो जब अपने यहाँ स्विमिंग पूल बनाने का काम कर सकते हैं, पानी अपने घर में 300 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवाए हुए हैं, वो काम अच्छे से कर सकते हैं, और नए नए शराब पीटी का लाइसेंस दे दो 15 की कमाई अच्छी हो सकती है। वैसे गुजरात चुनाव में आम आदमी की जो मतलब पार्टी है भाजपा और लोगों ने भाजपा को क्लीन चिट दे दी है, गुजरात विधानसभा चुनाव में हमारा अपडेट कैपिटल टीम उत्तर।